Audible, सबको ऑनलाइन चैप्टर नंबर टू जहां तक हो जाए देखो, वो देखो सिलेबस तो बोर्ड की तरफ से आया है और वह है चैप्टर नंबर वन टू अलेवन हाँ वन टीओ हाँ नहीं कर रहा है। सही बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं मैं बस देखो अभी सिलेबस ये नहीं हुआ है शुरू के आप छह चैप्टर भी लेके चलो कम से कम कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है चलो आगे देखो वो बता दूंगा एग्जैक्ट सिलेबस लेकिन शुरू का छः का तैयारी शुरू कर दो आप चलो कहाँ तक हो गया था इसमें ऑन कैमा देख लिया था हमने स्क्रीन कैमा देख रहे थे अपने ना यहीं देख रहे थे चलो देखो तो हमने देखा था दिस सेल्स हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑफ़ लिग्निन इसका जो प्राइमरी वॉल नहीं कौन सा वॉल सेकेंडरी वॉल थिक होगा और थिक किसके डिपोजिशन के कारण है लिग्निन इनके डिपोजिशन के कारण है, है ना किसके लिग्निन इनके डिपोजिशन आगे देखो एट मच्यूरिटी दे बिकम्स डेड क्योंकि कौन डिपोजिट है इसमें लिग्निन इन ना? Cells simple pits. है ना दी सेल्स ऑफ सिंपल पिट्स पूछेगा क्वेश्चन पिट्स आपको बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं तो इसमें कैसे पिट्स होंगे सिंपल पिट्स इसमें कैसे पिट मिलेंगे सिंपल पिट्स है ना चलो आगे देखो दी सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्करन काइमा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन डेवलपमेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पहला कौन है आपका एस्क्लेरिट्स दूसरा आपका एक्लेरन काइमेटस फाइबर्स अब देखो लेडिट्स क्या है और फाइबर क्या है देखते हैं शेप पहले देख लो दे में भी स्लेरिट का शेप कैसा बता रहा है दे में भी पैरिकल ओवल एंड सिलेंड्रिकल दे आर लिग्निफाइड लिग्निफाइड मतलब डेड है ना लेकिन इनका डिपोजिशन होगा एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड ध्यान रखना शेप आपका स्पेरिकल होगा ओवल हो गया क्या हो सकता है सिलेंड्रिकल हो सकता है लेकिन इनका डिपोजिशन होगा और वॉल होगा कैसा होगा एक वॉल होगा पक्की बात है क्योंकि यहाँ पे किसका डिपोजिशन है लेकिन इनका आगे देखो सो दूमन ऑफ दिल्लीटरेटेडेड मतलब इसका जो ल्यूमन होगा ऑलमोस्ट गायब होगा क्या होगा गायब क्योंकि वॉल इतना थिक है मान लो कि ये वॉल है ऐसे समझो यहाँ दिख रहा है आपको ये देखो इसका वॉल इतना ज्यादा थिक होता है इतना थिक होता है कि इसका जो ल्यूमन है आपका बात समझ में आ रही है तो ल्यूमन होगा क्या होगा ये देखो दिख रहा है ल्यूमन आपका ल्यूमन क्या होगा बहुत ज्यादा ऑब्लीटेटरी ऑब्लीटे मतलब एकदम नैरो ल्यूमन एकदम कम जगह मिलेगा जबकि इसका ल्यूमन देखो थोड़ा ब्रॉड है कि नहीं आपको दिख रहा है तो व्हाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है क्या आपका ल्यूमन है इसका ल्यूमन देखोगे क्या है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या आपका नैरो है क्यों नैरो है भाई क्योंकि यहाँ पे वॉल थिक वॉल आपका सेल वॉल कैसा है बहुत ज्यादा थिक और पक्की बात है ऐसे देखो ना या सेल वॉल अगर थिक हो गया ऐसे सेल वॉल अगर थिक हो गया तो पक्की बात है अंदर का स्पेस क्या होगा कम होगा है ना तो दोनों में डिफरेंस जो मेन है ना फाइबर और, और किस में स्क्रेड में यही है यहां पे ल्यूमन क्या होगा कैसा होगा ऑब्लीटेटेड ऑब्लीटेटेड मीन वेरी वेरी नैरो ठीक है दे आर फाउंड इन हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये भी याद रखने का जो भी प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है ना वहां पे कौन देखने को मिलता है ठीक है दीज आर प्रेजेंट इन जैसे देखो दीज आर प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट आप जानते हो कि नट्स का जो फ्रूट वॉल होता है कितना टफ होता है नहीं तोड़ सकते हो प्रोब है ना तो फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स पल्प ऑफ फ्रूट लाइक एंड एंड कोट ऑफ लेग्यूम्स टी एंडोता इन सब जगहों पे देखने को मिलता है कौन आपका तो आपको याद होना चाहिए यहाँ फीचर लिख दिया मैंने हाईली थिक एंड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज और ल्यूमन क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है सेल आपका इसका ल्यूमन कैसा होगा बहुत ज्यादा नैरो होगा मेन कैरेक्टर इसका यही है ठीक है आगे देखो फाइबर में they are long end, आपको देख सकते हो कैसे दोनों से क्या आपका पॉइंट तो क्या बोलते हैं अपन टेपरिंग है ना दे आर लॉन्ग एंड द फुल्ली डेवलप्ड फाइबर सेल्स आर ऑलवेज पक्की बात है क्योंकि क्या डिपोजिशन है Lignin, फाइबर्स आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम के कहा मिलेगा ये हाइपोडर्मिस में इन पेरीसाइकल ऑफ मैनी डाइकॉट डाइकॉट के किसमें मिलेगा पेरीसाइकल में इन सेकेंडरी फूड एंड इन वैस्कुलर बंडल सीथ इन मोनोकॉट स्टेम मेन आपको यही लोकेशन याद रखना है सबसे मेन यही है इसमें क्या आपका कहां पे प्रेजेंट है ना कहाँ हो गया ये पेरीसाइकल में दिखेगा डाइकॉट के ओनोकॉट के किसमें हाइपोडर्मिस में है ना और पक्की बात है अगर हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं तो रूट में होता ही नहीं हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता है कौन आपका हाइपोडर्मिस आगे देखो इन सेकेंडरी वुड अभी देखेंगे प्राइमरी वुड किसको बोलते हैं और सेकेंडरी किसको बोलते हैं ये भी पढ़ना है अपन को ठीक है टाइप्स ऑफ वुड इस चैप्टर के लास्ट में और कहा मिलेगा आपको वैस्कुलर बंडल शीत इन स्टेम के स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होता है ना एंड फ्लोएम उसके ऊपर एक कवरिंग होता है उस कवरिंग को क्या बोलते हैं वैस्कुलर शीत क्या बोलते हैं शीत या वैस्कुलर शीत इस चीत में ही मिलेगा कौन आपका फाइबर इसका लोकेशन देख लिया आपने देखो इस नारो, थिक सेल आ, या, और पिट्स। इसमें क्या होंगे बहुत सारे पिट्स हो सकते हैं कौन से पिट सिंपल पिट या कौन सा पिट सिंपल पिट तो याद रखोगे इसको डायग्राम से पहचानना है आपको यह आपका फाइबर है वह कौन आपका? है आपका एक्लेरिट्स है क्लियर है चलिए बताओ आगे देखो स्क्र का, का भी मेन काम क्या है आपका मैकेनिकल सपोर्ट क्या काम है आपका मैकेनिकल देखो आगे फाइबर्स आर थिक वॉल्ड मैकेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपने देखा कहां का मिलेगा फंक्शन द मेन फंक्शन ऑफ टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो काम किसका था आपका कॉलन कायमा का भी था तो पैरेंट कायमा का काम फूड स्टोरेज मेन है ना उसके बाद उसके बाद मॉडिफिकेशन हो सकता है बहुत सारा उसमें क्लोरिन कायमा हो सकता है है ना ठीक है आपने मॉडिफिकेशन देखा था उसमें आयरन कायमा प्रोजेन कायमा कॉलन का आपका क्लोरन कायमा किस में पायरन कायमा का मॉडिफिकेशन ठीक है मेन काम क्या है स्टोरेज ऑफ फूड उसके बाद देखा का हमने कॉलन कायमा मेन काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट और मेनली पेट्रोल वगैरह में प्रेजेंट होता है है ना जिसको बेंडिंग और टूटने से बचाता है तीसरा कौन है आपका स्क्रेन का इमा इसका भी मेन काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट ठीक है इसका तब भी ठीक नहीं है क्या हाँ तो इसका ही मेन काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट दूसरी बात आयरन कायमा लिविंग था ऑलन का इमा कैसा था लिविंग स्क्रीन कामा कैसा है डेड अब स्क्रेन का, का इमा दो टाइप्स है स्क्ररिड और दूसरा आपका फाइबर दोनों के दोनों भी कैसे होंगे डेड क्लियर है तो सिंपल टिश्यू हमने देख लिया आप कौन सा देखेंगे कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यू में क्या था जो एक ही टाइप के सेल से बने हो सिमिलर सेल से है ना और इसी के टाइप से हमने देखा था पैरेंट काल किसके टाइप है भाई सिंपल टिश्यू के अब देखेंगे अपन कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू अक्की बात है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होगा है ना दे आर मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एट हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन याद रखने का सेल यहाँ पे अलग अलग है लेकिन फंक्शन क्या होगा एक ही होगा ठीक है They include कौन आपका जाइलम एंड ओ एम और बार बार हम लोग बोलते थे ना कि ट्रैकिट्स पढ़ेंगे वेसल पढ़ेंगे अब टाइम आ गया अभी हमें पढ़ने का ट्रैकिट्स एंड वेसल्स क्या होता है ठीक है तो पहला कौन है आपका जाइलम ठीक है अब देखो जाइलम इज चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू पक्की बात है सबसे मेन पानी के कंडक्शन के लिए रूट से पानी निकला है ना रूट में भी जाइलम होता है उसको बोल देते हैं रूट जाइलम स्टेम में होगा तो बोल देंगे स्टेम जाइलम है ना तो क्या काम करता है जाइलम आपका पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है कंडक्शन करवाता है पूरे प्लांट में ठीक करता है ना वही लिख रहा है आपका जाइलम इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेट आते हैं उस पर ठीक है आगे देखो ले टाइलम फंक्शन कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ रूट से ही लेता है और ऊपर की तरफ पहुंचाता है है ना इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल टू द प्लांट पार्ट देखेंगे कैसे अब देखो प्राइमरी जाइलम आपका जाइलम देखेंगे दो टाइप का होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम को क्या बोलते हैं अपन और जो थोड़ा बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं मेटा जाइलम है ना प्रोटो क्यों बोला ये पहले बनता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको प्रोटो जाइलम है ना ये थोड़ा बाद में बनता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको मेटा जाइलम ठीक है तो प्राइमरी जाइलम में जो प्राइमरी जाइलम क्या हो गया जो पहले बना उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी जो तो बाद में बनेगा मच्योर प्लांट में क्या बोलेंगे सेकेंडरी बताया था मैंने जो यंग प्लांट में बनता है उस को क्या बोलते हैं प्राइमरी जो मच्योर में बनता है उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी है Secondary, ना और प्राइमरी में भी जो पहले बनेगा उसको क्या बोलेंगे प्रोटो और जो थोड़ा देर में बनेगा उसको क्या बोलेंगे क्लियर है प्राइमरी में भी याद रखने का चलो अब अपन देखते हैं जाइलम के कौन कौन से पार्ट होते हैं ठीक है ये देखो कौन कौन से कॉम्पोनेंट है यहाँ पे सब बता दिया देखो जाइलम आपका दो टाइप का होगा प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम कहां से बना था प्राइमरी जाइलम याद है बताया था आपको प्रो कैम्बियम से और कहा बनेगा ये यंग प्लांट में जो मच्योर प्लांट में जाइलम बनता है उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम डेवलप्स फ्रॉम कहां से कैम्बियम और ड्यूरिंग कहां पे सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मच्योर प्लांट में प्राइमरी जाइलम यंग प्लांट में मिलेगा सेकेंडरी जाइलम मच्योर प्लांट में मिलेगा ये तो प्रो कैम्बियम से आएगा किससे आएगा कैम्बियम से प्रो कैम्बियम भी डिवाइड होता है तो क्या बनाता है कैम्बियम याद है ना ठीक है अब आगे देखो इसी में आपका प्राइमरी जाइलम का भी अलग अलग करके बता दिया कि ये भी दो टाइप के होंगे प्रोटो मेटा क्लियर है डाउट है इसमें है ना अब अपन आते हैं जाइलम में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो सबसे मेन है पहला क्या लिखा हुआ देखो प्रैक्ट्स दूसरा क्या होगा वेसल्स तीसरा क्या होगा फाइलम चौथा तो क्या होगा पैरन अब याद रखना फ्लोएम में भी अभी जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे ना फ्लोएम में भी यह दोनों चीज सेम होगा कौन आपका थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा सेम होगा नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे क्या बोल रहे देखो तो जाइलम फाइबर वहाँ पे क्या बोल देंगे फ्लोएम फाइबर यहाँ पे बोल बोले जायलम पैरन कायमा वहाँ पे बोल देंगे फ्लोएम पैरन कायमा फंक्शन भी लगभग सेम पैरन कायमा है स्टोरेज करेगा फोटो करेगा है ना और दूसरा कौन है आपका फाइबर है तो फाइबर आपने देखा किसके लिए होगा सपोर्ट के लिए ठीक है

क्या बोलेंगे डेड इसका मतलब ट्रैकिट कैसा है आपका डेड है कैसा है डेड ठीक है यूनिसेलुलर थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड डेड सेल आगे देखो सेल्स हैव बॉर्डर्ड पिट्स देखो इसमें सिंपल पिट नहीं है कैसा पिट है पिट आपका सिंपल पिट मतलब कि सिंपल ऐसे होगा तो सिंपल बोल देंगे ऐसे ऐसे करके बॉर्डर के फॉर्म में होगा तो क्या बोल देंगे ऑर्डर पिट बोल देंगे पिट क्या होता है ओपनिंग ठीक है पिट मतलब समझते हो ना पोर्स तो सिंपल पोर होता है बॉर्डर पो पोर होता है ना तो सिंपल पिट मतलब जो सिंपली इसका कोई बॉर्डर नहीं ऐसा एकदम ऐसे है बस बोल देंगे सिंपल जब उसमें बॉर्डर हो ऐसे ऐसे करके आपका पोर हो तो क्या बोल देंगे इसको ऑर्डर पिट इसमें कौन सा पिट है आपका ऑर्डर पिट आगे देखो यहां लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ गया इन टेरिडो फाइट्स एंड जिमनो एस्पॉम्स वुड मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स ध्यान रखो क्योंकि याद है प्लांट का इवोल्यूशन आपको है ना

टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नो मतलब क्या हो गया वैसल केवल एक ही में मिलता है किसमें एंजियोस्पर्म में आई बात समझ ठीक है तो इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म वुड मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स नो वैसल्स इन एंजियोस्पर्म्स ट्रैकिड्स आर एसोसिएटेड विद वैसल है ना ट्रैकिट बगल में कौन होगा उसके वैसल उसमें बस कौन होगा आपका ट्रैकिड्स जिसमें टेरिडो एंड जिम्नो में द मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर

इसको क्या बोला हमने डेड सेल इसको राकेट को दूसरा कौन सा देखो तो वैसेल्स पहले ही देख लो लॉन्ग सेल्स होंगे सिलेंड्रिकल के जैसा होगा स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे भी नो प्रोटोप्लाज्म तो ये भी कैसा है डेड वैसल्स कैसा है देखो फर्क दिख जाएगा यह यूनि है और यह कैसा है देखो मल्टी सेलुलर ये भी कैसा है लिग्निफाइड मतलब क्या हो गया डेड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन

है ना क्योंकि उसमें बहुत अच्छा एफिशिएंट मैकेनिज्म है पानी के कंडक्शन ठीक है क्या बोलेंगे इसको बोरस बोर्ड बट दे आर एबसेंट इन मेंबर्स ऑफ हाँ ध्यान रखो इसमें प्रेजेंट है एन में एन में भी कुछ एक्सेप्शन है जिसके अंदर वेसल्स नहीं मिलेगा है ना एक्सेप्शन बट दे आर एबसेंट इन मेंबर्स ऑफ वेसल फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल क्या आपका टेट्रा सेंट्रिएसी ट्रोको एंड्री एसी यह सब एनजीओ स्पम ही है लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है वैसल्स नहीं है क्लियर है Same काम दोनों का काम एक ही है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है ना द मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर वेसल्स आर एडवांस टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वैसल मेंबर्स ईच सेल्स मतलब इसमें जो वैसल है ना बहुत से मल्टी सेलर है ना

आपके ऊपर क्या होगा लिग्निन अरे बात समझ चलो तीसरा कौन है आपका इसको बोलते हैं वो या क्या बोलते हैं जाइलम फाइबर यही जो मेन हिस्सा होता है ना जिसको यूज करते हैं अपने यही हिस्सा होता है कौन आपका फाइबर क्योंकि तो बहुत ज्यादा लिग्निन है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है ठीक है तो देखो वुड या क्या बोलेंगे इसको जाइलम फाइबर एंड Obliterated, obliterated मतलब या अभी very, अभी very अभी बता दिया central lumens तो ना, फाइबर का. अभी फाइबर तो चुका है 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 ना 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 का तुमने पढ़ा इसमें में वही वाला बताने की जरूरत क्या इसके सेल में पार्टीशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है पढ़ा है ना नाप्टेड है ना अब देखो ये भी कैसा होगा भाई डेड क्योंकि क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आपका अब हाईली सेकंड वॉल्स कैसे थिकेन हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है लिग्निन अभी तुमने बड़ा फाइबर में क्या प्रेजेंट है आपका लिग्निन आगे देखो हंसी क्यों आ रही है तुमको ज्यादा समझदारी आ गई है तुम्हारे अंदर कौन सी आ रही है आगे देखो अगला क्या आपका वुड और जाइलम एरनकाइमा ठीक है इसमें क्या देखो एरनकाइमा है ना अब बात है लिविंग वाटरड होगा, होगा लिविंग होगा

हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर रेडियल मतलब रे पैरेंट का है ना रे मतलब रेडियल कंडक्शन मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस में है ना ऐसे बना लो इसको ये देखो मान लो यह एक प्लांट का पार्ट है आप ठीक है पानी पहुंचाना सब जगह रेडियस मतलब यहाँ से ले लेते हैं इधर भी पानी लेके जाना, ले जाना, ले जाना, ले जाना है इधर भी लेके जाना है यहाँ भी लेके जाना है लेके जाना है कि नहीं जल्दी बताओ सब जगह लेके जाना है अब यह क्या करेगा यह रे के फॉर्म में हर जगह प्रेजेंट होगा कौन आपका पैरन ताकि हर एक रेडियस में हर एक कोने में इस पानी को क्या किया जाए पहुंचाया जा सके प्लांट के रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है पानी को कौन पैरन कि पूरे जो आपका में कौन सा कॉम्पोनेट हो जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा हर रेडियस में तो कौन करेगा रे है ना या सीधे बोलो क्या पैरन है और मेन काम तो इसका है क्या आपका स्टोरेज ऑफ फूड क्लियर है आगे देखो सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड पक्की बात है का, का सेल कैसा होता है आपका थिन वॉल्ड होता है एंड सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ हेलोलोज दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स और फैट एंड अदर या सबस्टांस लाइक इन सब का स्टोरेज इसमें हो सकता है मेटाबोलाइट का, का, है ना तो so, मतलब सीधा ऐसे समझो बाद में बताऊंगा क्या होता है प्राइमरी क्या होता है सेकेंडरी बायोमोलिक्स में इन सब का स्टोरेज कर सकता है तो आपको क्या सीखने में आया कि तो पूरे जाइलम में चार चीज है पहला क्या है आपका रैकेट दूसरा क्या है तीसरा क्या है? फाइबर्स। चौथा क्या है कारन कायमा तीन इसमें डेड है और एक क्या है इसमें लिविंग है तो ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि जाइलम डेड है या लिविंग टिश्यू है तो क्या बोलोगे कैसा टिश्यू है डेड टिश्यू है ठीक है क्लियर है अब बता ही दिया आपको टाइप्स ऑफ जाइलम पहला कौन होगा प्राइमरी प्रो कैम्बियम से आया होगा भाई? Pro -cambium से. कहां से होगा से 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 देखा था ना भी? Primary कहां से बना होगा? Pro -cambium से, ठीक है ये देखो बता दिया मैंने प्राइमरी जाइलम डेवलप फ्रॉम प्रो कैम्बियम ठीक है अब आगे देखो तो प्राइमरी जाइलम आपका प्रो कैम्बियम से आएगा और यंग प्लांट में प्रेजेंट होगा है ना इट इज डेराइव फ्रॉम टाइप्स ऑफ जाइलम में देख रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी इट इज डेराइव फ्रॉम प्रो कैम्बियम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब जब सबसे पहले प्लांट निकला सीड से तो जो जो पार्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी ठीक है तो शुरुआत में रूट बनेगा शुरुआत का लीफ बनेगा शुरू में जो जाइलम बनेगा शुरू में जो फ्लोइम बनेगा उन सबको क्या बोलेंगे प्राइमरी प्लांट बॉडी ठीक है अब आगे देखो इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम पहले बता दिया प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होंगे प्रोटो एंड एंडलम ठीक है प्रोटोजाइलम मतलब फर्स्ट फॉर्मड एंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड डायलम पैरनकाइमा क्या क्या होगा इसमें ट्रैक्यरी एलिमेंट्स एंड कौन आपका जाइलम मतलब ट्रैकम पैरनकाइमा आगे देखो एंड मेटाजाइलम लेटर फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्यलिमेंट्स डायलम पैरनकाइमा एंड फाइबर डिफरेंस समझ में आया क्या प्राइमरी वाले में जो प्रोटोजाइलम है उसमें दो ही कॉम्पोनेंट है ट्राइकरी एलिमेंट्स प्लस आयरन जबकि बाद में जो मेटाजाइलम बन रहा है उसमें एक और चीज ऐड हो गया कौन आपका फाइबर फाइबर ऐड हो गया दोनों में डिफरेंस समझना ठीक है थीके? आगे देखो द सेल्स ऑफ आर बिगर इन साइज देन प्रोटोजाइलम जो मेटाजाइलम के सेल्स होंगे यहीं से सारा कहानी शुरू हो रहा है बाद में जब कोई करोगे ना जैसा पॉइंट याद होना चाहिए ठीक है

एंडार्स कंडीशन और क्या बोलेंगे इसको एंडार्स और क्या बोल सकते हैं है मैंने आपको दिख रहा होगा मेटाजम कि है? पे. और प्रोटोजाइलम किधर है सेंटर में इसको ऐसे समझो तो बुक मेडाग्राम ऐसे दिया होगा क्या देखो मेटाजैलम किधर होना चाहिए पैरिफेरी पे है ना तो ऐसे दिखाएगा मेटाजम के लार्ज के स्मॉल तो ऐसे दिखाएगा आपको बुक में लार्ज है और बीच में आते आते कैसा हो गया स्मॉल मतलब मेटा कि मेटाजाइलम किधर आपका पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम किधर है सेंटर में ऐसा अरेंजमेंट देखे तो इसको क्या बोलेंगे एंडार्च क्या बोलेंगे क्लियर है या बोलेंगे ना पेरीफेरी से कहाँ जा रहे हैं सेंटर की तरफ पहला जो बना है किधर है सेंटर पे है तो इसको बोलेंगे सेंट्री फ्यूगल जाइलम क्या बोलेंगे सेंट्री फ्यूगल क्यों बाद में बनने वाला पेरीफेरी पे है और पहले बनने वाला कहा है सेंटर में है तो हमेशा आप डायरेक्शन इसी का मिलाओगे है ना किसका डिरेक्शन मेटाजाइलम से प्रोटोजाइलम का किसका डायरेक्शन मिलाना है मेटा से प्रोटो तो मेटा से प्रोटो देखो तो कहा जा रहा है कैरीफेरी से कहा जा रहा है कैरीफेरी से कहा जा रहा है सेंटर की तरफ तो क्या बोलेंगे इसको सेंट्री यूगल अरे नहीं नहीं सुनो 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 हाँ हाँ डायरेक्शन चेंज कर लो आप क्या कर लोगे प्रोटो से कहा देखना है हमें

पूरा चैप्टर पहले बता दो कॉन्सेप्ट का है क्योंकि बाद में इतना कन्फ्यूजन होगा ना एग्जाम में तुमको इतना लिख नहीं पाओगे आंसर इसके इसलिए मैं बार बार आराम से इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट करके सीखते जाओ क्योंकि एग्जाम में पूरा चैप्टर कन्फ्यूजन का है समझ लोगे पूरा फिर भी लगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे है ना इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो ही सॉल्व होगा पहले बता रहा हूँ मैं बाद में जाके आप देखोगे ना प्लांट फीजियो ऐसे में मजा आएगा खतरनाक नहीं पढ़ने वाले चैप्टर से जिसमें एनर्जी देना होगा पढ़ाई करनी होगी है ना तो बिना बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में पढ़ना तो होगा आगे देखो सेकेंडरी जाइलम इट इज फॉर्म फ्रॉम कैम्बियम पहले ही बता दिया सेकेंडरी जाइलम कब बनेगा मच्योर प्लांट में मच्योर प्लांट में और बनाएगा कौन उसको कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्राइमरी जाइलम को ही रिप्लेस कर देता है हटा देता है है ना और तब जाके बनता कौन आपका सेकेंडरी जाइलम इट इज वेल डिफरेंटेड इन टू टू सिस्टम या क्या बोलेंगे वर्टिकल अभी आपने देखा एक्ज या क्या बोलेंगे इसको वर्टिकल सिस्टम डायलम कैसे अरेंज होगा एक एक्सिस पे वर्टिकली और इसको क्या बोलेंगे रे या ऑरिजोनटल सिस्टम एक रे के फॉर्म में होगा पूरा रेडियस में आ रही बात समझ देखो ना अभी बताया यहाँ पे है रे के फॉर्म में होगा एक रेडियस में होगा आ रही बात समझ तो देखो एक्जियल या क्या बोलेंगे वर्टिकल सिस्टम डायलम अरेंज वर्टिकली इसमें दो चीज आपने देखा था क्या क्या है पे ट्राइकेरी एलिमेंट्स ट्राइकेरी एलिमेंट्स भी पूछ लेगा बहुत बार कि किसको किसको मिला के बोलते हैं ट्राइकेरी एलिमेंट्स तो ट्रैकिट्स एंड वैसल्स दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन ट्रैकेरी अब लोग क्या बोल देगा ट्रैकेरी एलिमेंट्स में ट्रैकिया होगा तो गलत हो गया है ना या ट्रैकिट्स होगा गलत हो गया है ना ट्रैकरी एलिमेंट्स में दोनों आते हैं कौन कौन आपके डाइलम हाँ ट्रैकिट्स एंड वैसल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर डाइलम या क्या बोलेंगे वुड फाइबर किसके लिए होगा सपोर्ट के लिए और पैरन कायमा किसके लिए होगा स्टोरेज ऑफ फोर्ट इसी तरह आप देखोगे रे या क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिस्टम इसमें क्या प्रेजेंट होता है रे तो मेनली क्या करेगा स्टोरेज ऑफ ठीक है सेकेंड किस पे आ गए हम टोयम पे तो देखो जाइलम में क्या क्या पढ़ा हमने देखो सबसे पहले पढ़ा कि जाइलम के चार पार्ट्स होते हैं क्या क्या होते हैं हो उसमें है ना ट्रैकिट्सिमनोमो और आपके टेरिडो में ट्रैकिट्स ही होता है अगला वाला जो वेसल होता है नहीं होता है एनजीओ स्प में कुछ ऐसे फैमिली है जिसमें आपके क्या होते हैं वैसल्स नहीं होते हैं ठीक है और उसके बाद देखा हमने तीसरा होता है फाइबर और आपका पैरन है उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ जाइलम प्राइमरी जाइलम जो पहले बनेगा प्रो कैम्बियम से और सेकेंडरी जाइलम जो बाद में बनेगा कैम्बियम से प्राइमरी जाइलम में भी हमने देख लिया प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम और उसमें भी हमने देखा प्राइमरी जाइलम है और रूट और स्टेम में Root में आपका अलग अरेंजमेंट है जाइलम और मतलब प्रो, प्रोटोजाइलम और जाइलम का है ना और में अलग ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है रूट में देखा हमने कि आपका मेटा किधर है मेटा बाहर है और प्रोटो कहाँ है सेंटर में और स्टेम में क्या देखा हमने ऐसा देख उल्टा उल्टा हो गया उल्टा बोल दिया हमने है ना स्टेम में हमने देखा स्टेम में देखा कि मेटा कहाँ है ऊपर और बीच में कौन है आपका प्रोटो रूट में हमने देखा कि बाहर में कौन है आपका प्रोटो और बीच में कौन है है ये पहचानने का तरीका ही आपनेड्री जाइलम के भी टाइप्स होते हैं पहला एक्जेल और दूसरा आपका रे और हॉरिजोंटल सिस्टम ठीक है केवल इसमें कंपोजिशन का अलग है इसमें तीन इसमें क्या है रे पैर का मिल चलो तो आगे बढ़े बारिश हो रही है जोरदार माई गॉड चलो आगे देखो अगला देखते हैं अपन देखो सुनो फ्लोएम इसको नगेली फ्लोएम टर्म को किसने दिया था कि साइंटिस्ट ने क्या नाम था उनका अगेली है ना फ्लोएम को दूसरा क्या बोलते हैं उनका बास्ट ऐसे हो क्या बोलते हैं इसको किसने बोला था एबरलैंड में तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नाम दिया अगेली ने क्या बोला इसको फ्लोएम है ना लैपटोम किसने बोला बोलालैंड में इट इज द मेन फूड कंडक्टिंग एंड कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग कॉम्बोनेट ये क्या आपका फूड है कंड फूड को कंडक्ट करेगा फूड कहाँ बनता है लीफ में और लीफ से सब जगह पहुंचाना नीचे भी ऊपर भी सब जगह लेके जाना है ना इसको करेगा कौन आपका फ्लोएम अब एक बात याद रखो जाइलम का जो तो डिएक्शन हमेशा यूनी डिएक्शनल होता है कैसा यूनी क्यों जाइलम हमेशा रूट से उठा के ऊपर लेके जाता है तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट बाय बाई जा डिरेक्शनल लिख लो ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम बाई जा जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है कैसा आपका यूनी डिरल है ठीक है लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा है आपका बाई डेक्शनल फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा है बाई वो नीचे भी लेके जाएगा ऊपर भी लेके जाएगा क्योंकि देखो ऐसे देखो ना समझो आप ये देखो क्या एक लीफ है खाना इधर ही बन रहा है एल्दी खाना इधर ही बन रहा है ना अब देखो तो इसके नीचे मान लो तो रूट है तो इसको जो आपका फ्लोएम है है ना इसको नीचे भी फूड लेके आना होगा ऊपर में भी जो मान लो फ्रूट है लिफ है ऊपर भी लेके जाना होगा है ना तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट आपका यूनी है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आपका बाई डायरेक्शनल या बोल सकते हो मल्टी डायरेक्शनल क्या बोल सकते हो बाई मल्टी डायरेक्शनल ठीक है क्लियर है चलो अब देखते हैं अपन क्या फ्लोएम का क्या क्या पार्ट होता है ठीक तो है देखते हैं पहला क्या इसमें सीव एलिमेंट दूसरा कौन है आपका कंपेनियन yeah. सेल्स यही दोनों अलग है बाकी दोनों तो वही सेम होगा आपका फ्लोएम या क्या बोलते हैं इसको आस्ट फाइबर और फ्लोएम पैरन काइमा तीसरा चौथा तो सेम है फरक कहाँ गया ऊपर के दो में ठीक है अब यहाँ देखो ये भी लिविंग है ए भी लिविंग है केवल इसमें फाइबर क्या होगा हमेशा डेड

ड्रिकल ट्यूबलाइक सेल्स विथ परफोरेटेड क्रॉस वॉल्ड कॉल सीव प्लेट है ना ध्यान दो डायग्राम में देखो दिख रहा होगा सबको देखो ये ऐसा कुछ डायग्राम है आपका ये दिखा रहा है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट है ठीक है ऊपर में आपका क्या दिखा रहा सीव पोर दिखा रहा है आपको यहां पर दिख रहा है पोर है ना अब देखो पता क्या है ऐसे ले लो या ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला सीव एलिमेंट या एनजियमेश क्या बोलेंगे सीव ट्यूब ठीक है यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे पूरा ऐसे लाइन है तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे पोर्स इसी पोर्स को अपन बोलते हैं सीव पोर या सीव प्लेट क्या बोलेंगे सीव सीव पोर या सीव प्लेट तो देखो ऐसे कंडक्शन करना है ना भाई तो कंडक्शन देखो क्या मान लो तो एक सीव ट्यूब है आपका इसके ऊपर दूसरा सीव ट्यूब होगा अब यहां से यहाँ पानी ले जाने के लिए यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं पोर्स है ना यही जो पोर होता है इसको बोलते हैं सिव पोर एक एक पोर को क्या बोलेंगे सिप पोर और ये पोर पूरा ऐसे प्लेट के फॉर्म में है एक दो तीन प्लेट हो गया ना एक है ना इस मान लो कि एक प्लेट है उसमें बहुत सारे छेद हैं जो तो छेद है उसको क्या बोलेंगे सिप पोर और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे सी प्लेट ताकि पानी जो नीचे से जाएगा ऊपर भेजना होगा ना इसमें कैसे जाएगा इसे सी पोर होते हुए ऊपर जाएगा फिर ऊपर से उसको मतलब स्टैकिंग में होता है एक शिफ्ट ट्यूब दूसरा सिर्फ ट्यूब तीसरा शिफ्ट ट्यूब हम बाहर है ना भाई वहाँ तक लेके जाना तो एक ही शिफ्ट ट्यूब तो होगा नहीं नीचे से ऊपर तक बहुत सारे ट्यूब ऐसे मिलकर तब पानी का पूरा क्या करेंगे कंडक्शन क्लियर है सॉरी फूड का फूड का फूड का ठीक है अब देखो द सीव एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर सीव ट्यूब्स विच आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल्स विथ परफोरेटेड क्रॉस वॉल परफोरेटेड मतलब पोर्स परफोरेटेड मतलब पोर्स है ना कॉल्ड सीव प्लेट यहां पे बहुत बार आप पढ़ चुके हो पहले भी सेल चैप्टर में सीव ट्यूब्स में क्या नहीं होता है न्यूक्लियस नहीं होता है याद है ना मच्योर आर बी सी सीव ट्यूब इन सब में न्यूक्लियस नहीं होता है इस बार का क्वेश्चन है ठीक है यही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस में से न्यूक्लियस नहीं होता है एक ऑप्शन सिर्फ ट्यूब भी था और एक ऑप्शन आपका आर बी सी भी था ठीक है सिफ ट्यूब सर मतलब ये पूछा था उसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना था कि किस में से न्यूक्लियस आपका होता है है ना ये सब में नहीं होता है सिव ट्यूब में नहीं होता है आर बी सी में भी नहीं होता है है ना सिफ ट्यूब सर विदाउट क्या न्यूक्लियस ऑन

दूसरा नंबर पर कौन है कंपेनियन सेल वह एबसेंट है कौन आपका कंपेनियन सेल्स है ना तो देखो आप ध्यान रखो इसके में भी क्या होगा आपका टीफ ट्यूब तो होगा उसमें आपका सीफ पोर्स भी होंगे है ना लेटरल होता है मतलब पोर कहाँ होगा चारों तरफ होगा ना ऐसे स्टैकिंग है देखो ये बात ऐसे समझो आप सीव ट्यूब ऐसे ऐसे है ऊपर भी है तो पोर्स कहां होना चाहिए यहाँ पे भी होना चाहिए फूड इधर भी आए ऊपर भी, भी जाए ठीक है अरे बात समझ तो इसको बोलते हैं ऑन दियर लेटरल कॉम्पेनियन सेल्स आर एबसेंट एन यही फोकस करना है दे आर कॉल्ड ए सीव सेल्स और जहाँ पे भी ध्यान दो जहाँ पे ट्यूब के साथ क्या पढ़ रहे हैं क्या बोलते है? इस में? में. को में क्या बोलते हैं सीव ट्यूब लेकिन सेम सीव एलिमेंट को अपन एरिडो और जिम्नो में क्या बोलेंगे क्यों तो जहां पे सीव एलिमेंट के साथ कॉम्पेनियन सेल नहीं हो

साइटोप्लाजम इज कन्फाइंड टू अ थिन पेरिफेरल एयर ये भी ध्यान रखना है तो आपके होते हैं ना सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो पेरीफेरी पे होता है पूरा बीच में नहीं होगा कहाँ होगा पेरीफेरी मान लो ये पूरा सेल है ना पूरे सेल के बीच बीच में साइटोप्लाजम नहीं होगा कहाँ होगा बस साइड साइड में कहाँ होगा साइड साइड में ठीक है अरे बात समझ क्योंकि तो बीच में इसको सारा फूड को ट्रांसपोर्ट करना है बात समझ में तो जगह खाली चाहिए ना है ना तो याद रखो इसमें क्या बातें सीखने को मिली एक ही बात सर एलिमेंट जो होता है उसको एनजीओंप में अपन क्या बोलते हैं सीव सीव ट्यूब ट्यूब और वहाँ पे सेल उसके बगल में होता है सीव का खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए तो बगल में कौन होता है, है? अरे बात समझ ठीक है अब देखो याद है कंपेनियन सेल के जगह पे कुछ और होता है

और हर शिफ्ट के बगल में कौन सा सेल होगा आपका कंपेनियन सेल कौन होगा कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल के बाहर में आपका, आपका है फ्लोएम पैरन हाइमा ठीक है तो देखो दे आर एलोंगेटेड लिविंग पैरन काइमेटस कंपेनियन सेल कैसा होगा लिविंग है और पैरन काइमेटस है मतलब किस सेल से बना हुआ से भी दे आर एलोंगेटेड लिविंग पैरन काइमेटस सेल्स दे आर एसोसिएटेड लैटरली टू द सेव ट्यूब्स एंड हैव डेंस साइटोप्लाजम एंड न्यूक्लिया इसमें पूरा साइट्रोप्लाज्म भरा हुआ है और न्यूक्लियस भी है तभी तो बगल वाले को क्या करेगा कंट्रोल करेगा क्या इधर क्या देखो ग्राम से आपको सब दिख रहा होगा दिख रहा है ये देखो क्या आपको दिख रहा होगा कौन सा आपका ये सब है आपका सिफ ट्यूब एलिमेंट इसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये कौन है आपका कंपेनियन सेल्स कंपेनियन मतलब मान लो कि आपका है ट्यूब उसके बगल में जस्ट बैठा होता है कौन कंपेनियन साथ ही है ना, तो साथ ही बगल में बैठता है ना तो बगल में कौन है आपका कंपेनियन और उसके बाहर कौन होगा आपका पैरनकाइम पैरनकाइमेट सेल्स है ना और इसका खुद का न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है और इसी का न्यूक्लियस इसके एक्टिविटी को क्या करता है कंट्रोल करता है क्लियर है देखो

Cells are absentee, phyton, gymno या वाले आप याद रखो अभी ऊपर पढ़ चुके हो आप ठीक है पोज सीव ऑन्टोजेनेटिकली है। बहुत बार पूछ दिया लाइन ऑन्टोजेनेटिकली मतलब दोनों का ऑरिजिन क्या है सेम है दोनों के माँ बाप एक है ऐसे को बोलते हैं दे आर रिलेटेड ऑनटोजेनेटिकली मतलब जब सिमिलर ओरिजिन हो अभी तो एक दूसरे को फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, है ना इसका न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि तो एक ही बाप के दो बेटे तो बड़ा वाला कंट्रोल कर रहा छोटे वाले को सिंपल सी बात है ना तो देखो ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर रिलेटेड ऑनटोजेटिकली बिकॉज डेवलप फ्रॉम द सेम मदर सेल एक ही मदर सेल दोनों को बनाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं दे आर रिलेटेड ऑनटोजेनेटिकली क्लियर है सेम जेनेटिक्स होगा क्लियर है तो दीज आर सिस्टर सेल्स कौन से सेल है दोनों सिस्टर सेल्स दे आर कनेक्टेड बाई फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दियर लॉन्गी वॉल वॉल दोनों में कनेक्शन होना चाहिए ना दोनों कनेक्शन देखो ट्यूब ये? ये आपका कंपेनियन आपका आपका? सेल दोनों को कनेक्शन आ रही बात समझ <coughs> तो दे आर कनेक्टेड विथ क्या बोला आपका दे आर कनेक्टेड पिट फिल्ड प्रेजेंट दियर प्रेजेंट ऑन दियर लॉन्गनल वॉल इसी वॉल में प्रेजेंट है ना ठीक है आगे देखो दे हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन टीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या करता है आपका जो टिफ ट्यूब है उसमें प्रेशर के ग्रेडियंट को क्या करता है मेंटेन प्रेशर 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 ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब pressure gradient मतलब डिफरेंस है ना ये देखो क्या मैकेनिज्म है बात समझो हाँ हाई टू लो वाला कहानी आ रहा है यहाँ पे है ना प्रेशर ग्रेडियंट मतलब देखो फूड का ट्रांसपोर्ट करना है ना तो कहां से कहां होगा हाई से लो होगा कि नहीं है ना तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन मान लो कि यहाँ पे आपका बगल में कौन है कंपेनियन सेल तो यह क्या करेगा डेंस साइडो है ना मान लो कि फूड को कहाँ भेजना हाई से लो है ना तो एक जगह पे आपको कैसा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना होगा हाई एक जगह पे कैसा रखना होगा लो तो क्या करेगा बगल से सॉल्यूट ऐड करते रहेगा ताकि जहां सॉल्यूट ऐड होगा वहां पे क्या होगा लो कॉन्सेंट्रेशन हाई जहाँ सॉल्यूट ऐड होगा क्या होगा पक्का लो सॉल्यूट जहाँ ऐड होगा लो कॉन्सेंट्रेशन होगा सुनो ये पानी है पानी है ठीक है पानी में हमने किसको ऐड कर दिया सॉल्यूट को ऐड कर दिया ये सॉल्यूशन कैसा हो गया हाइपर या हाइपो हाइपरटोनिक टोनिक कैसा हो गया हाइपर टोनिक हो गया क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड कर दिया सॉल्यूट तो ये कैसा हो गया हाइपर टोनिक हाइपर मतलब क्या होता है मोर मतलब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बढ़ गया बढ़ गया ना ठीक है तो हाइपर किसके टर्म्स में लेते हैं अपन सॉल्यूट के टर्म्स में किसके टर्म्स में सॉल्यूट हाइपो लेंगे तो किसके टर्म्स में होगा सॉल्वेंट तो यह क्या करेगा सॉल्यूट को ऐड कर करके प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करेगा मतलब तो एक जगह क्या बना देगा हाई और एक जगह बना देगा लो ताकि फूड कंटिन्यूसली क्या हो पढ़ते रहे अभी देखोगे लास्ट इस चैप्टर में आएगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है ठीक है अपन देखेंगे मेनली तो इसको पढ़ना है कहां आपको प्लांट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में पूरा आपका आएगा कि पूरा मैकेनिज्म कैसे है वाटर और मिनरल्स के बाहर जाने का और किसका फूड का जाने का दोनों का देखना है कि तो वाटर मिनरल्स कैसे एक एक पार्ट में पहुँच रहा है उसका तो बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थीरी बाद में पढ़ेंगे है ना और आपका दूसरा क्या है फूड कैसे जाता है जिसको बोलते हैं मास हाइपोथिस ठीक है या मास फ्लो हाइपोथिस बोलते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे तो कंपेनियन सेल क्या करता है आपका सिर्फ ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सॉरी प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रखता है ताकि फूड का फ्लो हो सके अरे बात समझ किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए याद रखो वाटर का करना हो मिनरल्स को करना हो फूड का करना हो आपको कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट क्या करना होगा मेंटेन करना होगा तभी फूड या किसी का फ्लो होगा क्लियर है तो वह जो प्रेशर ग्रेडियंट का काम है कौन करवाता है यहाँ पे कंपेनियन क्लियर है हाँ चलो आगे देखो देखो वही लिखा हुआ है एक्चुअली शुगर मूव्स इन द दिव ट्यूब हा कंपेनियन सेल्स दस इंक्रीजेज द शुगर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है मतलब तो जो शुगर आ रहा है ना मेन फूड क्या होता है प्लांट का शुगर होता है ना शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वह मेनली जो आपका कंपेनियन सेल भेजता है किसके अंदर टिफ्ट ट्यूब के अंदर ताकि वो क्या करे ट्रांसपोर्ट करे चलो आगे देखो तीसरा कौन सा इसमें फ्लोएम और फास्ट फाइबर ये पहले से जान गए दे आर फाइबर एसोसिएटेड विद फ्लोएम दे आर जनरली एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोएम हाँ यह इंपॉर्टेंट हो गया यह किसमें एबसेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता है ठीक है तो पहले फ्लोए में बनेगा प्राइमरी बोलेंगे जो मच्योर में बनेगा क्या बोलेंगे सेकेंडरी तो फाइबर आपका एबसेंट होता है किस में प्राइमरी फ्लोए में और पक्की बात है आपका फाइबर है ना तो क्या करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगला क्या आपका फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट फ्लैक्स एम्प आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू तो फ्लोए में फाइबर्स मिलते हैं ना जूट में या फ्लैक्स में हेम्प में आप जाते हो कि जूट वगैरह से क्या बनता है रस्सी वगैरह बना लेते हैं ठीक है आगे देखो फ्लोएम पैरेंट का मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड एबसेंट इन मोनोकॉटिलस प्लांट याद रखने का यही सब इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछ लेगा कि किसके फ्लोएम में है ना इसके फ्लोएम में आपको पायरन कामा फ्लोएम पैरन का नहीं मिलेगा तो किसमें ओनोकॉट के प्लांट में आपका फ्लोएम पैरन कायमा नहीं मिलता है ओनोकॉट का जो आपका क्या है फ्लोएम है उसमें फ्लोएम पायरन कायमा नहीं मिलेगा एबसेंट होता है यहीं सब जो बात है ना अलग करके यहीं सब आपको पूछेगा कुछ यहीं सब याद करना होता अलग जो चीजें हैं जैसे कंपेनियन सेल नहीं होता है कहाँ नहीं होता ये सब बातें डिफरेंस करके याद रखना है देखो इसमें लिविंग है, एक कौन है आपका डेड पार्ट फाइबर इसलिए ओवरऑल क्या है लिविंग टिश्यू है, ठीक है अब देखो टेरिडो लैक क्या, क्या बोलेंगे सीव और इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस बर्गर सेल्स क्योंकि तो इसी साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था आपका आप सबसे पहले किस सेल को एल्बीमिनस तो अपन एनजीओ में बोलेंगे इसको सीव ट्यूब

ऑब्लिटरेशन देखो क्या बोला ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ तो प्रोटोफ्लोएम है, है पहले कौन बना प्रोटोफ्लोएम बाद बाद में कौन बना? इसके बाद भी कौन बना मेटाफ्लोएम इसके भी बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम तो सब एक दूसरे को मार के ही आगे बढ़ता है प्रोटोफ्लोएम से किसको बनना है सेकेंडरी मतलब मेटाफ्लोएम को तो मेटाफ्लोएम उसको क्या करेगा प्रोटोफ्लोम को क्रश कर देता है क्रश मतलब उसको तोड़ देता है तब किसका फॉर्मेशन होता है आपका मेटाफ्लोएम का और जब सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा ना तो आप देखोगे फिर से पूरी तरह से नहीं तोड़ देगा

इट शोज वही वाले बात रेडियल डिफरेंसिएशन इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंग पहला क्या होगा एक्ज और वर्टिकल इसमें क्या होगा सी एलिमेंट इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों आएंगे और कंडक्शन ऑफ वाटर फास्ट फाइबर वो तो सेम उसी तरह है कि नहीं और रे या हॉरिजॉन्टल इसमें क्या होगा रे पैरेंट का फॉर स्टोरेज ऑफ अब अगला क्या है हमारा टिश्यू टाइम कितना बाकी है फिफ्टीन मिनट्स है हमारे पास है ना वो तो नहीं जाएगा कि यहाँ से टे चलो एक का देख लेते अपन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तीन होगा ना पहले एपिडर्मल होगा फिर आपका क्या होगा कार्टेक्स होगा मतलब इसमें बांटेंगे अपन कॉर्टेक्स में ही सब आ जाता है कौन आपका ठीक है तो देखो दूसरा को ग्राउंड बोलते हैं अपन ठीक है तीसरा होता है वैस्कुलर पहला एपिडर्मल दूसरा ग्राउंड तीसरा वैस्कुलर वैस्कुलर में कौन आएगा जाइलम एंड फ्लोएम एपिडर्मल में देखते हैं क्या है, है ना प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन टिश्यू सिस्टम नेमली पहला कौन है आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो ऊपर का पूरा सिस्टम बनाएगा है ना इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक क्यूटिकल हेयर्सल्टोमाटा एंड बुलिफॉर्म सेल्स मतलब ये मान लो कि सबसे एपिडर्मिस किसको बोलते हैं सबसे ऊपर वाले सेल्स के लेयर को सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलेंगे अपन एपिडर्मिस अब इस एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो सकता है ना जैसे आप देखोगे इस पे रूट हेयर होता है हेयर प्रेजेंट होंगे कहीं कहीं पर इसमें क्या होगा क्यूटिकल्स इसके ऊपर भी एक और लेयर होता है ट्रांसप्रेशन को रोकने के लिए उसको क्या बोलते हैं क्यूटिकल तो एपिडर्मल में ही आता है एपिडर्मिस प्लस उससे जो भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होंगे और कौन कौन हो सकता है आपका इसके ऊपर आपका एपिडर्मिस के ऊपर हेयर हो सकता है या क्या हो सकता है क्यूटिकल हो सकता है आप जानते हो एपिडर्मिस में क्या मिलता है आपका एस्टोमाटा इस्टोमाटा तो ऊपर ही मिलेगा ना तभी तो ऊपर से सनलाइट आएगा तो सब काम होगा इसी में क्या मिलेगा आपको एस्टोमाटा मिलेगा और क्या मिलेगा बुल्ली फॉर्म सेल से क्या होता है देखेंगे रखो अब यहां पे याद रखना Mostly epidermis single layered Mostly जो आपका होगा epidermis कैसा होता है और और किस से से बना होगा है ना But multi -layered in fecus, लेकिन और की बात करें तो इसमें epidermis कैसा आपका लेयर का है ठीक है क्लियर है आगे देखो एपिडर्मिस क्या आपका स्किन है ना एपिडर्मिस क्या ऊपर का लेयर है ना अभी प्लांट ट का देख रहे हैं अपन लेकिन हमारा भी यह क्या है एपिडर्मिस है एपिडर्मिस का मेन काम क्या है प्रोटेक्शन लिखा है एपिडर्मिस इज मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर अब यहाँ पे ग्रास में आ गया इसकी बात किसकी बुली फॉर्म सेल्स इन ग्रासेस मोटर और बुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट याद रखने का ये किस में मिलता है बस ग्रास में ग्रास किसमें मोनोकॉट है ना इन ग्रासेस मोटर या उसे क्या बोलते हैं फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस अब देखेंगे ना तो ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है इसको क्या बोलेंगे अपर और जो नीचे वाला क्या बोलेंगे लोअर समझ अपर एपिडर्मिस एंड लोअर और बीच में जो भी होता है में आप मेनली देखोगे मेनली अपर और लोअर एपिडर्मिस किस में देखने को मिलता है लीफ में है ना तो देखो इसमें देखोगे आप इफ में देखोगे अपर एपिडर्मिस नीचे क्या होता है लोअर एपिडर्मिस और बीच के पूरे सेल्स को बोल देते हैं सेल्स क्या हैं तो अपर एपिडर्मिस में भी एपिडोमेटा हो सकता है और लोअर एपिडर्मिस में भी ठीक है और बुली फॉर्म सेल्स मिलनी कहाँ होगा अपर एपिडर्मिस पर लोअर एपिडर्मिस में बुली फॉर्म सेल्स नहीं होते हैं इन ग्रास मोटर और सेल्स आर प्रेजेंट द अपर एपिडर्मिस आर लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स बुली फॉर्म सेल्स कैसे होते हैं साइज में लार्ज होंगे अंदर से खाली होगा है ना और कैसा होगा आपका कलरलेस होगा ठीक है इन ग्रासेस एंड इक्विसेटम सिलिका इज इल प्रजेंट इन द सेल्स इसमें ग्रास में और इक्विसेटम में ये दोनों अलग अलग हो गया ग्रास में क्या प्रेजेंट होगा स्पेशल सेल दैट इज कॉल्ड बोलीफॉर्म सेल्स या क्या बोलते हैं मोटर सेल सेल्स क्या क्या कैसा फीचर उसका लार्ज एम टी एन कलरलेस सेल्स अब आ गए दूसरा एग्जाम्पल में इन ग्रासेस एंड इक्विसेटम सिलिका इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स ऊपर किसका डिपोजिशन है सिलिका का द एपिडर्मल सेल्स कंटेनिंग है ना सिस्टोलिट्स है ना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आर कॉल्ड इथोसिस्ट मतलब सीधी सी बात ऐसा एपिडर्मिस जिसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन हो उसको क्या बोलते अपन इथोसिस्ट क्या बोलते हैं इथोसिस्ट आई बात समझ और सिस्टोलिट्स क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है आगे देखो

अरे हाँ O2 बाहर निकलेगा CO2 अंदर ठीक है प्लांट है है ना इसमें क्या होगा CO2 अंदर जाएगा O2 बाहर आएगा ठीक है क्योंकि प्लांट है क्योंकि तो इसको क्या करना है फोटो सिंथेसिस करना है तो CO2 को अंदर लेगा O2 को बाहर निकालेगा ठीक है अब आगे देखो ईच ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल आप जानते हो स्टोमेटा को जो ऊपर से प्रोटेक्शन जो देता है बगल से कौन होता है गार्ड सेल

क्लोरोप्लास्ट क्या होता है फ्लोरोप्लास्ट और यह रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा को मतलब एस्टोमाटा कब ओपन होना चाहिए कब क्लोज होना चाहिए वो तो कौन डिसाइड करेगा गार्ड सेल कौन डिसाइड करेगा गार्ड सेल इसका मैकेनिज्म होता है फिर से पढ़ेंगे कब कब पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा है ना पोटेशियम आयन थियरी बोलते हैं उसको ठीक है हाँ पढ़ेंगे बाद में समाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम

ध्यान रखना पहला एस्टोमाटा का शेप कैसा दिखा रहा है आपका बीन सेप्ट कैसा बीन शेप और दूसरा कैसा दिखा रहा है डम्बल तो याद रखना किडनी शेप क्या बोलेंगे इसको किडनी शेप या बोलो इसको आप बीन शेप लिख लो किडनी शेप या शेप इसका फीचर है भाई आईकोट के गार्ड सेल का आईकॉट में जो गार्ड सेल होता है किस शेप का होता है किडनी शेप या शेप और जो मोनोकॉट में होता है कैसा होता है, डंबल सेप। ऐसा होगा? लिख दिया है क्योंकि ग्रासेस आते हैं मोनोकॉट ठीक है याद रखने का तो डाइकॉट होता है डाइकॉट का जो गार्ड सेल का शेप होगा ऐसा होगा किडनी और बीन सेप और जो मोनोकॉट में कैसा होगा डंबल जिम में देखा ना डम्बल डंबल सेप का होगा ठीक है और बहुत आसान है कहा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर जब आप लीफ का देखोगे ना तो लीफ के ऊपर एस्टोमाटा देखो ऐसे होता है लीफ में या अपर एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस के बीच में ही कौन मिलता है आपका एस्टोमाटा कौन मिलेगा आपका एस्टोमाटा है ना अपर एपिडर्मिस के बीच में कौन मिलेगा इसी तरह लोअर एपिडर्मिस का सेल है उसी के बीच में कौन प्रेजेंट है एस्टोमाटा अरे बात समझ ठीक है तो एस्टोमाटा दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है लोअर में भी और अपर में भी ठीक है आई बात समझ और एस्टोमाटा में सिंपल सी बात है तो क्या होंगे आपके

गार्ड सेल में एक तो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट है तो क्या इसमें हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस और दूसरा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे अपन ठीक है हाँ एक एक चीज एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो भूल गए अपन है ना पढ़ना हाँ ये याद रखना बाहर वाले जो गार्ड सेल्स हैं ना आपके ठीक है वो गार्ड सेल्स में बाहर और अंदर वाला आपको याद रखना ये जो आपने बनाया है क्या हाँ हाँ ठीक है तो आवाज नहीं आ रही है हाँ देखो ये याद रखने का ठीक है और ऐसा क्यों होता है ये समझ लो आज इसी पे चैप्टर खत्म अभी लेक्चर खत्म करेंगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो आप इधर देखो द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स है ना और आर थिन एंड द इनर वॉल्स ऐसा आपका हाईली थिकेंड अब देखो ये गार्ड सेल्स का आप देखोगे बाहर वाला वॉल आपको थिक नजर आएगा अंदर वाला कैसा आएगा इन ये देखो अरे ये देखो सुनो गार्ड सेल है अंदर वाले जो भी लेयर होंगे कैसे होंगे ठीक बाहर वाले कैसे होंगे इन ऐसा क्यों होता है बात समझ में आ रही है देखो यह गार्ड सेल है बात समझो हाँ उसी लिए, देखो यह गार्ड सेल है मान लो आपका यह गार्ड सेल है ठीक है अभी किस पोजिशन में फ्लैट है फ्लैसिड बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे फ्लैट है पूरा है ठीक है मतलब अभी ये क्लोज है अभी क्या है क्लोज ठीक है अब मान लो इसमें पानी भरना शुरू हुआ बाहर से क्या है इसके अंदर पानी पानी आएगा तो ऐसे होगा नहीं देखो अब ऐसे होने के कारण क्या होगा देखो अंदर वाला आपका थिक होना चाहिए बाहर वाला कैसा होना चाहिए थिन क्यों क्यों ताकि वो फ्लेक्सीबल हो तो ऐसे मुरेगा अंदर वाला थिक इसलिए होना चाहिए कि वाटर के प्रेशर से टूटे नहीं और बाहर वाला थिन होगा अभी तो ऊपर बेंड करेगा बेंड करने के लिए बाहर वाला कोई भी जैसे आप कोई ऐसे लकड़ी लेते हो उसको झुकाना है आपको झुकाने के लिए एक साइड आपका फ्लेक्सीबल होना चाहिए और दूसरी साइड क्या होना चाहिए हल्का थिक अभी वो बेंड करेगा अगर दोनों साइड थिन होगा तो टूट जाएगा और दोनों साइड थिक होगा तो बेंड ही नहीं होगा वो है ना तो जब पानी भर रहा है तो धीरे धीरे से खुलेगा नहीं खुलवा तो, तो देखो तो क्या हो रहा है अंदर वाला थिक वाला जो है वहीं पे रहेगा अपने पोजिशन पे बाहर वाला उसके ऊपर क्या हो रहा है बैंड हो रहा है अरे बात समझ इसके कारण क्या हो गया है ओपन हो गया इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट होता है आपका कि बाहर वाला आपका कैसा नजर आएगा हिंद और अंदर वाला कैसा होगा थिक अरे बात समझ ताकि ये प्रॉपर इसका बेंडिंग हो सके जब पानी अंदर जाएगा और जैसे ही पानी गया देखो ये बेंड हुआ बेंड हुआ और क्लियर है ठीक है ये भी याद रखना अभी तो याद रहता है बाद में उल्टा कर दोगे ठीक है हाँ बिल सर चलो तो ठीक है बाबा